दैनिक सवेरा, अंधेरे से उजाले की ओर। पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पटियाला की ओर से बायोमेडिकल वेस्ट प्रोजेक्ट के तहत एक विशेष सेमिनार का आयोजन जलंधर के सिविल अस्पताल में किया गया, जिसमें एसएमओ, नर्सिंग स्टाफ व पैरामेडिकल स्टाफ के सदस्यों ने भाग लिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए सिविल सर्जन डॉ आरएल बसन ने बताया कि सेमिनार में सभी सदस्यों को बायोमेडिकल वेस्ट विभाग द्वारा बनाए गए नीले रंग के बैगों में डाले जाने संबंधी जानकारी प्रदान की गई है। इस अवसर पर एमएस कैलाश कपूर सहित अस्पताल का अन्य स्टाफ भी मौजूद था। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वालों आज एक वर्कशॉप जड़ी है की गई, जिसके एसएमओ और काफ़ी हेल्थ के ऑफिशियल्स इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। ये बहुत जरूरी सी क्योंकि बायोमेडिकल वेस्ट का जरा प्रॉपर डिस्पोजल ना हो करके बहुत सारी बीमारियाँ हेपेटाइटिस बी, सी, HIV और कैंसर वर्गिया बीमारियाँ जड़िया वो जड़िया होंगे ने, और इसका जरा एक हस्पताल के साफ सफाई के भी जरा काफ़ी अच्छा जरा होएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो बायोमेडिकल वेस्ट भी उन्होंने दसिया कि किस तरह उसमें सैग्रीगेट करके उसमें डिस्पोज ऑफ करना है, और अगर नहीं करेंगे तो उसके नाल जी कि प्रॉब्लम्स हो सकती है, और प्रॉब्लम के नाल नाल डिपार्टमेंट वालों भी या उस हॉस्पिटल में प्रॉब्लम हो सकती है कि उस अगेंस्ट केस मेरा चल सकता है।